सो दोस्तों, आज हम मैच कवर करने वाले हैं यहाँ पर MNG और फिर से OCO के बीच में। यहाँ पर मैच हम कवर करने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर मैच इन्फो की तरफ, और उसके बाद आपको जो है ड्रीम इलेवन टीम बनाकर हम दिखाएंगे। और यहाँ बात की जाए यहाँ पर सबसे पहले इस लीग की, तो ये लीग जो है आज से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि आई थिंक सो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, करीब 16 या 17 घंटा टाइम है, तो सुबह में ही मैच स्टार्ट होगी। मैच की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है मनंगुआ और जो है डेपोटवो ओकोटल के बीच में यहाँ पर ये मैच होने वाला है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो 35 मैचेस हुए हैं, जिसमें से अगर बात की जाए मनंगुआ की टीम की, तो यहाँ पर जो है 18 मैचेस उन्होंने विन किए हैं 35 में से, और डेपोटवो ओकोटल की बात की जाए तो 10 मैचेस उन्होंने भी विन किए हैं और 7 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो मनंगुआ की टीम कही जाए तो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है रिकॉर्ड के बेसिस पे। और बात की जाए रैंकिंग इन पॉइंट टेबल की, तो रैंकिंग इन पॉइंट टेबल की अगर बात की जाए तो देखिए मैं आपको बता दूं, 18 मैचेस में से जो है 7 मैचेस विन किए थे मनंगुआ ने और 6 मैचेस रहे ड्रॉ, और 5 मैचेस उन्होंने जो है हारा था, यानी कि लॉस्ट किया था। और ओकोटल की बात की जाए यहाँ पर, तो 18 मैचेस में से 5 मैचेस उन्होंने विन किए थे और 6 मैचेस ड्रॉ रहा था और 7 मैचेस उन्होंने हारा था, यानी कि लॉस्ट किया था। अब गोल फॉर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 69 गोल लगे थे मनंगुआ की टीम की तरफ से, और ओकोटल की तरफ से 44 गोल लगे थे पिछले सीरीज़ के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और रिसेंट फॉर्म्स की बात की जाए दोस्तों, तो रिसेंट फॉर्म्स आप जो है यहाँ पर देख सकते हो, मनंगुआ ने जो है रिसेंट के जो भी मैचेस प्ले किए हैं, और तो उन्होंने जो है लगातार 3 मैचेस विन किए हैं और 2 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। ये 5 मैचेस की यहाँ पर जो है आपको मैं रिसेंट फॉर्म बता रहा हूँ। और ओकोटल की बात की जाए तो उन्होंने जो है 4 मैचेस हारे हैं और 1 मैचेस ड्रॉ रहा है। तो कही जाए तो मनंगुआ की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर ओकोटल की टीम से। और प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन की दोस्तों मैं बात करूँ तो अभी कोई जो है अभी एग्जैक्टली न्यूज़ नहीं आ रही है, जैसी न्यूज़ आती है आपको मैं जो है मैं प्लेइंग इलेवन दे दूँगा अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लिक करके जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको लिंक्स काम नहीं करता है तो आप जो है सर्च कर सकते हो यहाँ पर टेलीग्राम पे, फैंटेसी पॉइंट्स के नाम से हमारा चैनल है, आप उस पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो। अब चलिए दोस्तों पहले चलते हैं मैं आपको ड्रीम इलेवन में, और आपको दिखाते हैं किस तरह आपको जो है टीम बनानी है इस मैच में। और ये यहाँ पे मैंने एक कही जाए तो टीम सेट करके पहले से ही रखी है, और आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सेटल टीम आपको जो है नज़र आ रही है। अब चलिए आपको शुरू से बात करते हैं कैसे कैसे आपको प्लेयर्स को पिक करने हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर गोल कीपर सेक्शन में, और गोल कीपर सेक्शन में दोस्तों हमने जो है जी ननारवो को जो है हमने पिक किया है। और अब आते हैं हम डिफेंडर में, डिफेंडर में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है करीब 4 डिफेंडर्स पिक किए हैं, और 4 डिफेंडर्स में से अगर बात की जाए तो 2 डिफेंडर हमने पिक किया है यहाँ पर MNG की तरफ से, और जो है 2 डिफेंडर्स हमने पिक किए हैं यहाँ पर OCOC की तरफ से हमने जो है यहाँ पर पिक किए हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो OCO की टीम की तरफ से हमने जो है गुटनार्जे को हमने पिक किया है, और फिर से जो है फुटनेस को जो है हमने आर फुटनेस को जो है हमने पिक किया है यहाँ पर MNG की टीम की तरफ से, और जे प्रसानन को जो हमने पिक किया है यहाँ पर OCO की टीम से, और एक लास्ट में यहाँ पर आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो हमको ML वारेज को हमने जो है पिक किया है MNG की टीम की तरफ से। तो ये 4 डिफेंडर्स आपको पिक कर लेने हैं यहाँ पर डिफेंडर सेक्शन से। अब आते हैं मिड डिफेंडर में दोस्तों, मिड डिफेंडर में आपको जो है मैंने यहाँ पे भी जो है 4 मिड डिफेंडर्स पिक किए हैं, और चारों के चारों कही जाए तो काफ़ी बेस्ट हैं आपके लिए, कही जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मैच में, तो इनको आप कही जाए तो मिस एकदम नहीं कर सकते हो, सारे के सारे कही जाए तो एकदम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। तो ये आप ऊपर के जो है 4 मिड डिफेंडर्स आप आराम से पिक कर लेना, बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जो है पिक कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर एस टी में आपको जो है इसमें भी जो है ऊपर के 2 ऐसे कही जाए तो ST हैं जो काफ़ी बेहतरीन खेलते हैं, और बहुत ही कही जाए तो इनकी रिकॉर्ड्स में आपको बताऊं तो काफ़ी बेहतरीन प्लेयर्स हैं, काफ़ी अच्छे तजुर्बे वाले प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं इस मैच में और अच्छे से गोल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने प्लेयर्स पिक किए वो आपको हमने बता दी है। अब चलते हैं यहाँ पर टीम प्रीव्यू में,
और टीम प्रीव्यू में आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कैप्टन वाइज कैप्टन आपको जो है दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है एगुरे को हमने कैप्टन बनाया है और गैलेगो को हमने जो है वाइस कैप्टन बनाया है, पी गैलेगो को हमने वाइस कैप्टन बनाया है। अब बात करते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट प्लेयर्स की, अगर आप जो है और किस किस को जो है ट्राई कर सकते हो कैप्टन कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर स्मॉल लीग में। दोस्तों अगर बात की जाए अदर ऑप्शंस की तो आप जो है इनको ट्राई कर सकते हो, एक काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और फिर से जो है आप इनको भी ट्राई कर सकते हो दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं और एक इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। ये तीन ऑप्शंस ऐसे हैं आपके पास जिन्हें आप जो है कैप्टन वाइज कैप्टन बनाकर ट्राई कर सकते हो। और ज़्यादा नहीं तो आप जो है डिफेंडर से अगर किसी को बनाना चाहो वाइस कैप्टन तो आप जो है इनको भी ट्राई कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेलते हैं। काफ़ी अच्छे जो है चार ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, और आप अगर चाहो तो आप इन सब पे रिस्क ले सकते हो। और मोस्टली मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो है ग्रैंडलिंग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉलिंग में मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप स्मॉलिंग में ट्राई कीजिएगा। आप ज़्यादातर जो है ग्रैंडलिंग में इन चार प्लेयर्स को ट्राई कीजिए कैप्टन 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 या वाइस कैप्टन बनाकर। और फिलहाल के लिए जो मेरी टीम रहने वाली है यही रहने वाली है फाइनल, जब तक लाइनअप नहीं आती है। जैसे ही लाइनअप आएगी अगर कुछ चेंजेस रहते हैं लाइनअप में उसके हिसाब से हम जो है चेंज कर लेंगे। और आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो है फाइनल टीम आपको जो है वहीं पर मिलने वाली है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। और आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला आइकन भी दबा दीजिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं, हर मैच की वीडियो लाते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। चलिए ओके, थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।